Hello students, let us start with our new subject, that is business law, and in which we are going to taking the topic Indian Contract Act 1872. Student, first we have to understand what is the meaning of our subject business law. ठीक है, business law होता क्या है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि business क्या होता है, right? Business मतलब व्यवसाय. Now we are getting understanding the meaning of business, the selling and purchasing of goods and services for earning a money in the form of profit. It is known as business. मतलब हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? व्यवसाय. मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना. किस चीज के लिए आदान प्रदान करना? लाभ कमाने हेतु आदान प्रदान करना. इस प्रोसीजर को व्यवसाय कहा जाता है. इस सब्जेक्ट के द्वारा हम ये पढ़ेंगे कि व्यवसाय करने के कायदे कानून क्या होते हैं. इट इज नोन एज लॉ, मतलब संनियम. व्यवसाय के संनियम क्या होते हैं, लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है, इस सब्जेक्ट के द्वारा हम पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, इसमें हमें कुछ ये छह टर्म्स पढ़ना है, दैट इज ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ऑफर का मतलब होता है हिंदी में प्रस्ताव, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, प्रॉमिस का मतलब होता है वचन, कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, एग्रीमेंट का मतलब होता है ठहराव एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध. अब हम इसको डेफिनेशन बना करके पढ़ते हैं. ठीक है, अब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर, अब बिजनेस में देखिए हमेशा दो पार्टीज होती है. ठीक है, एक वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने वाली, दूसरी उसको खरीदने वाली. ठीक है, तो जो पहली पार्टी होती है जो वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचती है, तो सबसे पहले वो क्या करती है, वो दूसरी पार्टी के सामने प्रस्ताव रखती है, ऑफर रखती है. ठीक है, और जब दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकृत कर लेती है, तब वो बन जाता है एग्रीमेंट. सपोज मैं ए हूँ और आप बी है. ठीक है, मैंने अपने 10 लाख की प्रॉपर्टी बेचने का प्रस्ताव, ऑफर आपके सामने रखा. ठीक है, अब आप बी है और आप उसको खरीदने के लिए स्वीकृति मुझे दे रहे हैं, तो देन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट. ऑफर धन, सॉरी, प्रस्ताव धन स्वीकृति बराबर क्या बन गया? ठहराव बन जाता है. ठीक है, अब जब वो एग्रीमेंट आपका ठहराव बन गया, यहाँ पर दो टर्म्स और आ रही हैं, दैट इज प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन. और प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर आपको वचन. अब यहाँ पर ऑफर देने वाला वचन दे रहा है कि मैं अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी आपको बेचूंगा, और एक्सेप्ट करने वाला वचन दे रहा है बी ए को कि मैं आपको 10 लाख रुपए उसके बदले में दूंगा. ठीक है, अब जब बदले की बात आ रही है तो कंसिडरेशन वर्ड यहाँ पे आ रहा है. कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल. प्रतिफल का मतलब समथिंग इन रिटर्न. जैसे 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मैंने आपको बेची, तो उसके बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो? 10 लाख रुपए. ठीक है, और आपके 10 लाख के बदले में मैं आपको क्या दे रही हूँ? 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी. इस टर्म को कहा जाता है कंसिडरेशन. आई बात समझ में? सो फिर से आप देखेंगे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एन एग्रीमेंट. ओके, अब यहाँ पर आपके कानूनी कागजात सब तैयार हो चुके. अब कानूनी कागजात तैयार होने के बाद जब लॉ उस पर अपना ठप्पा लगाता है, उस टर्म को कहा जाता है एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ. मतलब कि राजनियम के द्वारा जब प्रवर्तनीय किया जाता है उस एग्रीमेंट को, तब जाके वो बन जाता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, कल अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. थैंक यू.